देवी पर्व नवरात्रि के चलते मंगलवार को स्कूल चले अभियान योजना के तहत नगर के शासकीय स्कूल में बालिकाओं को साइकिल वितरित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार मेव, नगर परिषद अध्यक्ष विश्वदीप मोदे, स्कूल एवं पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित थे। विधायक राजकुमार मेव ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनेकों जनहितैषी योजनाएं बनाई गई हैं, जिसमें बालिकाओं को स्कूल जाने के लिए साइकिल वितरण जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं भी हैं। नवरात्रि के दौरान बालिकाओं को साइकिल दी जाने पर खुशी मिल रही है, क्योंकि अब बालिकाएं 3 किलोमीटर साइकिल से स्कूल जाएंगी। इसी प्रकार सीएम राज स्कूल महेश्वर में भी विधायक राजकुमार मेव द्वारा बालक बालिकाओं को साइकिल वितरित की गई। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष विक्रम पटेल, नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष परशुराम यादव, मनोज पाटीदार, श्रीमती सिंधु जोशी समेत कई लोग मौजूद रहे। जनपद अध्यक्ष लाल सिंह जी और हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चे की जिले की उपाध्यक्ष सिंधु दीदी, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष हमारे मनोज शर्मा जी, पत्रकार बंधु और सभी संबंधित, हेलो सभी को प्रणाम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी की अभिनव योजना कि मेरी बेटी पैदल 3 किलोमीटर नहीं जाए और 3 किलोमीटर से नहीं आए, कभी वाहन मिलते हैं कभी वाहन नहीं मिल पाते, तो बेटियों को साइकिल की सुविधा अगर देने की किसी ने प्रयास किया है तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी जोर से बोलो जरा। और प्रधानमंत्री देश के कौन है? अरे क्या जनरल नॉलेज है, जबरदस्त। नरेंद्र मोदी जी की भी योजना आप तक पहुंचती है और हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की योजना आप तक पहुंचती है, भले ही वो मुफ्त किताब का भी हो या मध्याह्न भोजन की योजना हो, सारी योजनाएं बच्चों तक पहुंचती है। और हमारी उन सब बच्चों को शुभकामनाएं जिन्हें आज साइकिल मिलने वाली है। और निश्चित ही मोदी जी ने बोला है कि ट्रैफिक का ध्यान रखें, अपने साइड में ही चले और धीरे चले, क्योंकि साइकिल का भी धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, साइकिल धीरे चलाएगा। इसी बात के साथ भारत माता की जय। महेश्वर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट।